जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। शरणागत दीनातो परित्राणाय परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सज्जनों, आइए भक्तों, आपको मैं कृष्ण कथा में श्रवण कराने के लिए, और जो कृष्ण की कथा श्रवण करते हैं ना, प्रतिदिन जो कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, तो सज्जनों उन्हें एक माह एक दिन भगवान राधा कृष्ण का दर्शन जरूर होता है। और सज्जनों, जैसे हमें किसी को चाय पीने की लालसा होती है, किसी को घूमने की लालसा होती है, किसी को कपड़ा पहनने का शौक होता है, किसी को घुमा घुमा के गाड़ी चलाने का शौक होता है, किसी को मजाक करने का बड़ा शौक होता है, किसी को सोने का शौक बहुत होता है, किसी को खाने का शौक होता है, लेकिन प्यारे जिसको कृष्ण कथा सुनने का शौक लग जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए सज्जनों, प्रतिदिन आप कृष्ण कथा सुनिए और कृष्ण कथा सुनकर के आप अपने जीवन का आनंद लीजिए। हम क्यों सुनते हैं कृष्ण कथा? कृष्ण कथा सुनने से ये हमें प्राप्त भगवान कहते हैं मानो मेरा ही रूप है और मैं मनुष्य के हृदय में विराजमान रहता हूं। तो आइए, मैं असल आस्था के माध्यम से आपको कृष्ण कथा लेकर के आया हूं, और आप जो है इस कृष्ण कथा को सुनकर के आप बहुत आनंदित हो सकते हैं। दशम स्कंद में कृष्ण कथा गाई गई है और दशम स्कंद में कृष्ण की लीला भरी हुई 90 अध्याय है इसमें, और इन 90 अध्यायों में कृष्ण कथा है। इसलिए सज्जनों, अब कृष्ण कथा के बारे में आप बड़ी रसमयी कथा को श्रवण करेंगे। तो इसलिए दशम स्कंद का पहला श्लोक है कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञां शोभवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। जब कृष्ण कथा राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी सुनाने लग गए, तो सुखदेव स्वामी ने प्रश्न किया, महाराज आपने मुझे चार दिन तक जो तीन दिन तक जो कथा सुनाई है वो सब संक्षिप्त सुनाई है, अब मुझे कृष्ण कथा थोड़ा विस्तार से सुनाइए ना प्रभु, क्योंकि भगवान की कथा में विस्तार से सुनना चाहिए। मनुष्य के पास सब जगह का समय होता है, मकान बनाने का समय होगा, विश्राम करने का समय होगा, घूमने का समय होगा, हर चीज का समय होता है, लेकिन व्यक्ति गलती कहां करता है कि भगवान के लिए उसके पास समय नहीं होता है, इसलिए भूल करता है। और जब भगवान से व्यक्ति वंचित हो जाता है तब वो दुखी रहने लगता है, कहीं तन से दुखी होता है, या फिर मन से दुखी रहने लगता है, या परिवार से दुखी होने लगता है, या कुटुंब से दुखी रहता है, या संतान से दुखी रहता है। इसलिए प्यारे, सब चीज से वंचित रहो, लेकिन भगवान कृष्ण कथा से कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। जो गोविंद की कथा नित्य प्रति जब भी आप शयन करते हैं, सोते हैं, थोड़ी देर कृष्ण कथा सुनिए और आपका रोम रोम कृष्णमय हो जाएगा। इसलिए राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से कहा, भगवान मैं वो कृष्ण कथा विस्तार से सुनूंगा, जो मेरे पूर्वजों के रक्षक हैं, जिन्होंने मेरे पूर्वजों की रक्षा की है, और उनकी कथा आपने संक्षिप्त सुनाने का भी मन बनाया? नहीं प्रभु, मैं कृष्ण कथा विस्तार से सुनूंगा, और कृष्ण कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। इसलिए कहते हैं भगवान के पास जाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए,
और भगवान को, भगवान की कथा उनको सुनाने सुनाई सुनानी सुनाना चाहिए जो कृष्ण भक्त हों। सबको नहीं सुनाई जाती है भगवान की कथा, रसिक जनों को सुनाई जाती है भगवान की कथा, भाविक जनों को सुनाई जाती है। इसलिए गोविंद की कथा भाव में होकर के सुने। आप 10 मिनट भी सुन रहे हैं तो 10 मिनट भाव से सुने, कृष्णमय होकर के सुने। राधा कृष्ण के स्मरण करते हुए आप कृष्ण कथा को सुन सकते हैं। और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। आपकी शरण में वही आ सकता है जिस पर आपकी कृपा होगी। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपकी कृपा के बिना आपके शरण में नहीं आया जा सकता है। जिस पर आप विशेष कितनों कोशिश कीजिए, मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं गिरिराजी जाऊंगा, मैं बरसाना जाऊंगा, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक न तो भगवान के धाम आप जा सकते हो न भगवान की कथा सुन सकते हो। इसलिए प्रभु से पहले प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे पे ऐसी कृपा कर दो कि आपकी कथा श्रवण कर सकूं, आपके धाम में आ सकूं। धाम में जाने से क्या होता है? धाम में जाने से प्यारे हमारे जो पाप होते हैं ना, वो पाप वहां पे छूट जाते हैं, वो पाप वहां पे हमारे समाप्त तो हो जाते हैं और पुनः भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन मनुष्य फिर भी यहां पे आकर के पुनः पाप करता है। इसलिए महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 वर्ष में तीर्थों में जाना चाहिए। भगवान कृष्ण भी घूमने जाते थे, संपूर्ण कथा आपको बताऊंगा कृष्ण कथा में। मैं भगवान भी अपने परिवार के साथ घूमने जाते थे। और ये मत सोचो कि हम तो गृहस्थी हैं। सज्जनों गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ होता है। गृहस्थाश्रम से विप्र सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, ये सारी सेवा होती हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम तो सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। आप गृहस्थी होकर के भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई संत नहीं हो सकता है। गृहस्थी होकर के प्रतिदिन आप कथा सुनते रहते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान की कथा जरूर। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा, क्योंकि राजा परीक्षित ने 4 दिन हो गए थे, संध्या का समय आ गया और 4 दिन से राजा परीक्षित ने पानी नहीं पिया, अपना आसन भी नहीं बदला था और एक आसन में बैठ करके नेत्र बंद करके और नजर सुखदेव जी के चरणों में। और सुखदेव स्वामी भाव विभोर होकर के, क्योंकि सुखदेव ये विष्णुरात है और राजा परीक्षित जैसा श्रोता, सुखदेव जैसा वक्ता कभी हुआ नहीं है, अन्ना होगा। राजा परीक्षित ने 7 दिन तक, 4 दिन तक न तो पानी पिया न आसन को चेंज किया। आज सुखदेव स्वामी बोले, राजन तुमको 4 दिन हो गए और 4 दिन से तुम कथा सुन रहे हो, तुमको प्यास लगी होगी, तुमको भूख लगी होगी। बोले नहीं प्रभु, आप जो रसमय कथा सुना रहे हैं, जो रसमय कथा सुना रहे हैं, मुझे भूख नहीं लगी और मुझे प्यास भी नहीं लगी। फिर राजा परीक्षित बोले, भगवान मैं ये भी नहीं कहता कि मैंने भूख पर विजय प्राप्त किया है, मैंने प्यास पे विजय प्राप्त किया है, ये भी नहीं कहता। अगर मुझे भूख नहीं लगी होती तो समीप मुनि का मैंने अपमान नहीं किया होता, अगर मुझे प्यास नहीं लगी होती तो समीप मुनि के आश्रम में जाकर के मैंने उनका अपमान नहीं किया होता। लेकिन प्रभु आप जो कथा सुना रहे हो, इस रस से मेरा हृदय तृप्त हो रहा है, आप तो कथा सुनाते रहिए और मैं आपकी कथा सुनता रहूं, यही मन में भाव है। हे प्रभु आपके चरणों की कृपा बनी रहे कि हमेशा मैं आपकी कथा सुनता रहूं। सज्जनों कृष्ण कथा जरूर सुनने चाहिए। राधा ही माधव है, माधव ही राधा है, राधा माधव दोनों एक हैं, ज्योति एक है, प्रज्वलित दो जगह हो गई है। इसलिए राधा माधव की कृपा से आप कृष्ण कथा सुनते रहिए और भगवान की कथा सुन करके आप अपने आप को धन्य हो जाएंगे। जो प्राणी नित्य प्रतिदिन भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें घर में कभी कलेश नहीं होता और वहां राधा माधव ही निवास करते हैं। लेकिन जहां पे कृष्ण राधा माधव की जहां सेवा होती है, वहां तुलसी का वृक्ष पौधा जरूर होना चाहिए।
तुलसी के पौधे के बिना वहां निवास नहीं करते भगवान। इसलिए राधा कृष्ण की यदि आप सेवा करते हैं, राधा कृष्ण के यदि आप उपासक हैं, यदि कथा के रसिक हैं, तो आप कथा भी सुनिए। और भगवान कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की सेवा कैसे करते हैं, या तो सखा के भाव में, या मित्र के भाव में, या गुरु मान करके भगवान की कथा श्रवणम उनकी कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो। कुछ नहीं आता, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। और कुछ नहीं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान से ये प्रार्थना करते रहो, काम करते रहो, कोई भी काम कर रहे हैं आप काम करिए, लेकिन साथ में भगवान की कथा सुनते रहिए। अगर भगवान की कथा सुनकर के आप काम कर रहे हैं, या भगवान का कीर्तन करते हुए काम कर रहे हैं, तो आपकी भक्ति हमेशा शाश्वत रहेगी। और भक्ति तो हमेशा जवान रहती है। तीर्थों में आपने देखा होगा कि भक्ति हमेशा जवान है। वृंदावन आप गए होंगे, वहां देखे होंगे कि रिक्शा वाला भी हटो जी नहीं बोलता, रास्ता दो जी नहीं बोलता, वो यही बोलता है राधे राधे जी रास्ता दीजिए जी, राधे राधे जी रास्ता दीजिए जी, वो भी ऐसा बोलता है। इसलिए अगर राधा कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए आप भक्ति करेंगे और कथा सुनेंगे, तो भक्ति का जरूर प्रादुर्भाव आपके हृदय में होगा। और जब भक्ति आपके हृदय में आने लग जाएगी, तो सोते बैठते चलते फिरते जागते आप हमेशा कृष्णमय हो जाएंगे। और जिस दिन इस प्रकार से श्वास श्वास में कृष्ण भजन व्रथा श्वास जनित होए, ना जाने यह श्वास को आवन होए न होए। प्यारे किसने देखा है कि दोबारा तुम्हें मनुष्य योनि मिलेगी कि नहीं, क्योंकि 84 लाख योनि है, और उन 84 लाख योनि में भटकता हुआ व्यक्ति फिर मनुष्य योनि आते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अगर तुम पुराण को मानते हो, वेदों को मानते हो, शास्त्रों को मानते हैं, तब बिना कृष्ण कथा के व्यक्ति का जीवन एक जो ये मानिए राख के बराबर है। जैसे राख में किया हुआ हवन कोई काम नहीं आता है, उसी प्रकार बिना कृष्ण की कथा श्रवण करते बिना व्यक्ति की सद्गति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए कृष्ण को कथा सुनना व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए, भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कृष्ण की कथा जरूर सुनना चाहिए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, सभी आप लोग जानते हैं। मेरे गोविंद का प्रकट कहाँ हुआ, मथुरा में। और मथुरा में जन्म लिया भगवान ने, कहाँ जन्म हुआ भगवान का, जहां चोरों को डाकुओं को बंद किया जाता है, जेल में जन्म हुआ भगवान का। लेकिन जैसे मेरे गोविंद का मथुरा में जन्म हुआ, तो मथुरा से तुरंत वसुदेव जी महाराज, देवकी वसुदेव कारागृह में थे आप लोग जानते हो, और उनको हथकड़ी पड़ी थी, बेड़ियां पड़ी थी, यहां तक कि जेल में बंद थे। अब मेरे प्रभु ने रात्रि के 12 बजे उस कारागृह में चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए थे, 4 भुजाओं से। क्यों? भगवान गर्भ में जाते नहीं है, जो कि भगवान गर्भ में भी जय गए फिर भी वो भगवान है। जैसे भगवान अपनी शक्ति का माँ देवकी के गर्भ में स्थापित किया, और फिर भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। ससंक चक्रम सकरीट कुंडलम, चतुर्भुज रूप में भगवान जब प्रकट हुए, तो देवकी वसुदेव ने उनका वंदन किया, उनका प्रणाम किया, उनका वंदन किया। इसलिए प्यारे जैसे वंदन किया भगवान को प्रणाम किया, इसलिए कृष्ण कथा यदि आप श्रवण करना चाहते हैं, अपने जीवन का धन बनाना चाहते हैं, तो हमारी जो है असल आस्था के माध्यम से कृष्ण कथा आप नित्य पर सुनते लीजिए। आगे कृष्ण कथा में भगवान ने क्या उपदेश किया, ये आगे के वीडियो में आप लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।